गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। ये व्लॉग बिल्कुल प्लान्ड नहीं था। आज दोपहर को 12:30 बजे के आसपास मैं ऑफिस आई और सोचा कि यार आज कुछ तो शूट करूं, आज कुछ काम करती हूं, कुछ थोड़ा कोई शॉर्ट्स बनाती हूं, कुछ करती हूं। आई ट्राइड माई बेस्ट। मैंने कम से कम नहीं तो 8 से 10 बार कैमरा ऑन किया है। सबसे पहले सोचा ओके बेयर फेस हूँ तो दिमाग में था एक वीडियो वो शूट करती हूँ। कैमरा ऑन किया, मन नहीं किया। उसके बाद एक दो कुछ न्यू प्रोडक्ट्स थे हेयर रिलेटेड, मैंने सोचा चलो ठीक है इसके साथ वीडियो बना लेती हूँ, वो किया, मन नहीं किया, कैंसिल कर दिया। सोचा छोड़ो ऑफ कैमरा कर लेती हूँ। फिर जब बाल हो गए, बालों के बाद मैंने कहा चलो मैं मेकअप की वीडियो बना लेती हूँ। फिर कैमरा ऑन किया, सामान वामान निकाला, वो पीछे आपको वो ये दिख रहे हो, बास्केट भी दिख रही है, निकाला सामान उसमें डाला, सोचा बैठती हूँ चलो मेकअप की वीडियो करती हूँ, क्योंकि मेकअप करना ही था। बताती हूँ क्यों करना था। बेसिकली आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू शूट समथिंग बिकॉज बीच बीच में टच जा रहा है, बिल्कुल टच जा रहा है। बेसिकली नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। टुडे इज अ वेरी शिटी डे। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं है। फिर सोचा चलो मेकअप भी ऑफ कैमरा कर लेती हूँ, कुछ और देख लूंगी, मेकअप कर लेती हूँ उसके बाद कुछ शूट कर लूंगी, चलो कुछ फनी रील शूट कर लूंगी, कुछ कर, बिकॉज दैट्स माय वर्क राइट। आई हैव टू शूट, आई हैव टू क्रिएट कंटेंट, करना तो है ना, काम ही यही है। और अब वो टाइम आ गया था जहाँ पे मुझे वो करना था, यानी कि मेकअप हो चुका है, बाल हो चुके हैं, वो भी मन नहीं किया। और अभी टाइम हुआ है 5:20 शाम के, 5:15 हो चुके हैं। मैं 12:30 से सिर्फ सोच रही हूँ कि मुझे कुछ करना है, काम करना है, काम करना है, नहीं कर पा रही हूँ। नॉट अ ग्रेट डे बट आई होप इट विल बी अ ग्रेट इवनिंग बिकॉज आज जाना है एबी के घर पे। एंड एक्चुअली एबी और कुणाल आप लोगों को पता होगा हमारे दोस्त हैं, तो उसी के लिए सब तैयार हो रहा था, उसी के लिए सोचा था कि चलो मैं ना साथ साथ वीडियो भी शूट कर लूंगी, कुछ हो ही नहीं पाया। लेकिन तो फाइनली व्हाट कम्स टू द रेस्क्यू गाइस, व्लॉग वेर आई टॉक टू यू। अल्टीमेटली अब ये व्लॉग ही शुरू कर दिया जबकि उन्हें व्लॉग नहीं करना था। आज मुझे मन नहीं हो रहा था व्लॉग करने का, एंड अब मुझे पता चल रहा है बात करके एक्चुअली मेरा व्लॉग ही करने का मन कर रहा था। एनी वे फाइनली आई एम व्लॉगिंग। एनी वे ओके फाइनली ठीक है, चलो व्लॉग शुरू कर दिया है अब तो। आज आपको एबी के घर पर भी लेके जाऊंगी और मानस आया हुआ है, मानस मैं और कमल तीनों जा रहे हैं, तो ठीक है लेट्स गो। आई एम जस्ट नाउ फिगरिंग आउट कि मुझे क्या पहनना है। यू गाइज नो धीरे धीरे अब मेरे अंदर बहुत एक तब्दीली आई है, लाइक मुझे शॉपिंग करना मैं अपने आप को रोक रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ मैं बहुत रोक रही हूँ अपने आप को शॉपिंग करने से, तो आई जस्ट हैव टू फिगर आउट कि मैं कैसे मिक्स एंड मैच करके कोई पुरानी ही चीज़ को थोड़ा एक नया फील दे सकती हूँ। लुक की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, मुझे फील चाहिए जो मैं पहन रही हूँ, तो यू नो मिक्स एंड मैच करके कुछ नया एक आउटफिट बन जाए तो वही करने वाली हूँ, और नहीं हुआ तो अपने वही क्लासिक कपड़े पहन के चली जाऊंगी। सो आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, सो या लेट मी फिगर आउट क्या पहनूँ। सो आई हैव अ ब्लैक वेरी सिल्की सैटनी टाइप की शर्ट फ्रॉम H&M, लॉन्ग शर्ट है ये। ये ऑनेस्टली मैंने एक ही बार पहनी है। आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट कि आज मैं ये पहनूँ और इसके साथ यू नो बूट्स पेयर करूँ। ये वाले ये भी H&M के हैं एंड दीज आर दी ओनली लॉन्ग बूट्स आई ओन राइट नाउ, या द ओनली बूट्स, एंड मैं इनको बहुत हंडाने वाली हूँ। आई एम श्योर मैं इनको बहुत पहनने वाली हूँ, लेकिन मुंबई में आप लोगों को बहुत ही कम ब्रैकेट मिलता है क्योंकि ठंड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो मैं सोच रही हूँ अभी जितना टाइम में मैं पहन सकती हूँ ना ये 3-4 बार और मैं पहन लेती हूँ। तो आई एम ट्राइंग कि मैं आज ये बूट्स जीन्स अपनी ब्लू और ऊपर वो लॉन्ग शर्ट पेयर करूँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। एक और बहुत अच्छा काम मैंने कर डाला जो मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, मैंने अपनी सारी ज्वेलरी अरेंज कर ली। हाँ यार ये एक प्रोडक्टिव काम तो मैंने बहुत अच्छा किया है। मैं ऐसे क्यों सोच रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है, किया है, इसमें बहुत टाइम लगा है गाइस, बहुत सारा टाइम लगा है। सो दिस इज द टॉप, ये भी H&M का टॉप है एक जो मैंने पहना है कुछ टाइम्स, लाइक 3-4 times पहना है, एंड आई वॉन्ट टू वेयर इट मोर। एंड ये मेरे बूट्स, ये मेरे वन एंड ओनली बूट्स हैं जो आज के टाइम में मेरे पास हैं, लाइक लॉन्ग बूट्स, और मुझे इन्हें बहुत पहनना है बिकॉज हार्डली मुंबई में ऐसा मौसम आता है जहाँ पे मैं बूट्स पहन सकूँ। सो आई नो कुछ लोग बोलेंगे अरे बार बार बूट्स पहन रही हो, बट येस गाइज मैं कब पहनूंगी बूट्स फिर, और मुझे पहनने हैं और मुझे दूसरे नहीं लेने हैं,
बिकॉज पहले इनको मैं ऐसे पूरा हंडाऊंगी और फिर अगले सीजन में शायद मैं दूसरे बूट्स लूँ. सो इस सीजन में आप मुझे यही पहन के देखने वाले हो. इयररिंग्स के लिए मैंने ये बहुत ही यूनिक से बहुत सुंदर से इयररिंग्स पहने हैं. एंड एज मच एज आई वॉन्ट टू गिव अ शाउट आउट टू दिस पेज, I can't because hello, I don't remember. I'm so sorry ये कहाँ से आया था, I don't remember. और ये वॉच पहनी है मैंने जो रुकी हुई है, टाइम ये नहीं हुआ है, रुकी हुई है. और अब ऐसा है कि रुकी हुई घड़ी पहनते नहीं है, बट क्या करूँ यार, क्योंकि क्या हो रहा है, जब से मैंने वो अपनी एक्सपेंसिव वॉच ली थी उसको मैंने, क्योंकि अब इतने पैसे लगाए हैं तो मैं उसको संभाल के नहीं रखती हूँ. मैंने सोचा था, दो चीज़ें होती है जब आप महंगी चीज़ लेते हो, एक होता है कि आप उसे संभाल संभाल के पहनो और एक होता है कि आप उसे ऐसे पहनो कि मतलब और कुछ है ही नहीं. तो मैं उसे पहन रही हूँ ऐसे जैसे और कुछ है ही नहीं. तो क्या हो रहा है, मेरी बाकी की घड़ियाँ रुक जा रही हैं क्योंकि मैं पहन ही नहीं रही हूँ बिल्कुल, ठीक है. बट तो आज अब मैं ऐसी पहन के जाती हूँ, कोई बात नहीं, बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट वेयरिंग अदर वॉचेज ऑल्सो, बिकॉज ऑनेस्टली मैंने इतनी पहन ली अपनी राडो वाली वॉच की मैं बोर हो गई हूँ एक्चुअली. एंड आज मुझे लगा कि ब्लैक टॉप के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी तो इसलिए. और इस हाथ में ये वाला कड़ा पहन लिया चेंज करके, क्योंकि आज मैंने अपनी ज्वेलरी बहुत अच्छे से अरेंज की है तो इसलिए आज मेरा मन कर रहा है कि मैं और कुछ पहनूं. इनफैक्ट मैं अभी रिंग भी पहनने वाली हूँ, मेरा मन कर रहा है. आजकल मैं गोल्ड की रिंग्स नहीं पहन रही हूँ बिकॉज नहीं मन कर रहा है. वो ना पहनने का एक रीज़न है जो मम्मी से रिलेटेड है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि फिर मैं मम्मी का नाम लेती हूँ ना मेरे चेहरे पर रोना आ जाता है, तो मैं इसलिए नहीं लूंगी उनका नाम. पर मैं आजकल गोल्ड कोई भी मैं आजकल कोई भी गोल्ड की चीज़ नहीं पहन रही हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे कुछ गोल्ड पहनती हूँ तो मम्मी का याद आता है. एनीवे तो मैं सोच रही हूँ मैं रिंग्स पहन लूँ, ब्रास वगैरह की या जो भी मेरे पास जैसे बोहो टाइप की पड़ी हुई है उनमें से कुछ पहनती हूँ. एंड देन विल कम्प्लीट द लुक विद अ हैंड बैग एंड आई विल बी डन. ओके, तो ये वाली रिंग पहन ली है, हाँ ब्रास की है ये भी, सो ये पहन लिया. एंड या विल जस्ट कैरी अ हैंड बैग, सामान संभालना है मुझे बिकॉज आई कांट लीव माई हाउस लाइक दिस, क्योंकि अभी तक जो मेरी सहन शक्ति थी ना थोड़ी ये सब ऐसे मेस को देखने की, वो बिल्कुल ही खत्म होती जा रही है और टाइम के साथ. मैं और ज़्यादा ऐसे होती जा रही हूँ कि मुझे पहले सामान संभालना है सो दैट टुमारो व्हेन आई एंटर द ऑफिस घर संभला हुआ और एंड आई एंटर इन अ वेरी क्लीन स्टूडियो सो दैट काम करने का मन करे. नहीं तो मैंने देखा है कि जब मैं मेस पड़े हुए स्टूडियो में अगले दिन आती हूँ तो मैं मेस संभालने में मेरा आधा दिन निकल जाता है, इसलिए मैं मेस संभालूंगी एंड फिर मैं निकलूंगी. 6:30 हो चुके हैं, सामान संभाल के 7 बजे तक मुझे निकलना है यहाँ से. और मैं जा रही हूँ कैब पे, उसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है. आते हुए कमल के पास गाड़ी है, कमल वहाँ से पहुँच रहा है सीधा एबी कुणाल के घर पे और फिर आते हुए हम सब इकट्ठे आएंगे. तो अगर मैं कार पे चली गई अपनी वाली, अभी वो मानस की कार पे है, तो अगर मैं अपनी कार पे चली गई यहाँ से तो फिर हमें आते हुए दो गाड़ी लेके आनी पड़ेंगी अलग अलग चला के, एक मैं चलाऊंगी एक ऐसे करके होगा. तो मैंने सोचा मैं कैब पे चली जाती हूँ, आते हुए मानस की कार में ही मानस और कमल के साथ आ जाऊंगी. सो दैट्स द प्लान, सो वी आर रेडी, सो या लेट्स गो. ओके, द रिंग आई वॉज वेयरिंग इज सो पॉइंटी गाइज, मतलब मैं बची हूँ अभी आँख में लगते लगते ये रिंग. थैंक गॉड मेरा फेस बच गया, आई हैव टू रिमूव. सो फाइनली मैं ये वाली पहन रही हूँ. ओके, दिस इज द लुक. मैं निकल रही हूँ घर से, कमल ने एक दो काम बोलते थे घर से, उसकी जैकेट वैकेट उठानी थी बिकॉज वो दिन में जब गया था तो गर्मी थी, आते हुए ठंड होगी, तो गुड थिंग दैट ही रिमेम्बर्ड कि जैकेट लेके आना चाहती. सो आई वेंट होम, गॉट हिम जैकेट, फिर मैंने कहा लगे हाथ थोड़ा सा कुछ खा भी जाती हूँ, तो मैंने अपना थोड़ा ब्रेड ऑमलेट टाइप खा लिया. अब मैं फाइनली निकल रही हूँ. एक्चुअली मैं बहुत टाइम के बाद, एक्चुअली बहुत टाइम बाद नहीं, मैं पहली बार कुणाल और एबी के घर अकेली ड्राइव करके जा रही हूँ. पहुँच गए, तुमने घर चेंज हुआ है क्या कुछ? हाउ आर यू?
अरे आज सुबह से मैंने आई टोल्ड यू ना ओवर द फोन, मेरा भी सुबह से ऐसे ही चल रहा था. तो मेरा प्लान था कि मैं कैब से आऊंगी, लेकिन मैं निकलते निकलते मेरा मूड बन गया, क्योंकि जैसे मैंने वो चीज इमेजिन की ना कि ओके नाउ हैव टू बुक अ कैब एंड देन हैव टू सिट विद समबडी. हाँ मतलब मेरा मन ही नहीं हुआ, बिकॉज आदत ही नहीं रह गई अब ना, तो फिर इसलिए वो. और कई बार ना, कई बार क्या होता है कि कोई ढंग का आदमी नहीं टकरता है, वो इतनी गंदी गाड़ी चलाता है ना, फिर मेरा सारी टाइम मैं स्ट्रेस में ही रहती हूँ. तो फिर मैंने एक्चुअली कमल को नीचे आके पता चला कि मैं कार से आई हूँ. ओके तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ डिस्प्रिन, क्योंकि मेरा सर दर्द ज्यादा हो रहा था, तो आती डिस्प्रिन ले रही हूँ. और कम्बू की बना रही हूँ चाय, बिकॉज कम्बू का भी सर दर्द हो रहा है, दोनों का हो रहा है, बट आई एम taking discipline. Kamu is taking chai, तो उसकी चाय बना रहे हैं. Okay, where is everything? हरी मिर्च नहीं डालते हम. Yes, मैं अदरक. अच्छा अच्छा, कुणाल, मानस, किसी और को चाय चाहिए? नहीं नहीं, मानस ही चाहिए. अच्छा आपको नहीं चाहिए कुणाल? एवरी वन ओनली कमल यानी. And you know, मैंने ये भी लाइटर लाइटर कुठे आए? It's like this. अच्छा हाँ, मैं भूल जाती बार बार. हाँ मेरी मम्मी को भी बहुत कंफ्यूजन होता है. फिल्टर फिल्टर फिल्टर. बाय द वे हम लोगों ने भी फिल्टर लगवा लिया फाइनली. आई स्किप्ड योर 2-3 व्लॉग्स बिकॉज़ इन देयर कुणाल खड़ी हुआ क्राइंग, सो आई वाज लाइक आई कैन नॉट सी. पता नहीं, मैं न्यू ईयर से बहुत इमोशनल, आई डोंट नो व्हाई आई एम जस्ट क्राइंग. मेरे को जरा जरा सी कुछ बात होती है ना, इफ आई मीट अ फ्रेंड और मेरे को कुछ लाइक कुणाल सेड, मैंने ज्योति का वीडियो देखा, शी वाज क्राइंग, सी इट सी इट सी इट, आई एम जस्ट फीलिंग वेरी इमोशनल. आई थिंक मेरे साथ क्या हो रहा है ना, मैं आई एम अब हैप्पी. अब तो पूरी रात देखेगी ना कि मैं खुश हूँ, मैं हंसूंगी चिल्लाऊंगी. गो आउट यू विल बी. नहीं गो आउट नहीं, जैसे ही अगर टॉपिक शुरू होगा मान लो मम्मी का, मेरी आंखें भर जाएंगी. एक्चुअली यू नो द डे आई केम टू मीट यू एट होम ना, आई डोंट नो आई केम बैक फीलिंग, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूं. आई थिंक मम्मीज के ये इशू में आई एम अ लिटिल सेंसिटिव. You know, like every morning I used to get up, I used to tell Kunal that मुझे बार बार वही image है that you know auntie was sitting on the sofa whatever, तो मुझे conversation थी. बोलो. Bye. Bye. घर बंद करके जाना. He's come to see कौन बना रहा है चाय. मैं बनाऊँ भाभी, ये क्या है? वो ना you don't have to eat veg, you have to eat non veg. यहाँ पे है, मैं भी कह रहा हूँ. कमल अक्सर ये करता है, इसके लिए non veg मंगाता है, veg चाट के चला जाता है. और फिर वेज वाले मुंह देखते रहते हैं. बात कर रहे थे मैं और कमल अभी बाहर. हाँ क्या शालिन की भाई, हाउ कैन आई टोल्ड हर यस्टरडे ऑफ लाइक आई इट्स सच अ पुट ऑफ लाइक, बट भाई जिसको काम करना वो कर दिया ना. They everybody is talking about Shaleen because everybody here knows Shaleen personally. That's yes. मुझे ना अर्चना बहुत अच्छी लग रही है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये सारा उसका गेम प्लान है. जब अब तक जो ये पागल बनती लग रही थी. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, डेढ़ घंटे के एपिसोड में अगर आप 45-50 मिनट्स आप स्क्रीन पे अकेले हो ना. कल रात के एपिसोड की बात कर रहे हो ना. इफ यू आर अलोन आई वाज थिंकिंग द सेम थिंग फॉर 45-50 मिनट्स. मैंने टाइम काउंट किया, यू आर डूइंग समथिंग रियली राइट. मैंने टाइम काउंट किया, एग्जैक्ट 46-47 मिनट्स इन वन आवर एपिसोड. करेक्ट है. हमारी बातचीत तो वैसे बीच में रह गई, बट इट्स ओके, हम कभी बाद में कर लेंगे. अभी वैसे भी हम ज्यादा इमोशनल बातें करेंगे तो कोई फायदा नहीं है. फन करने आया, फन करेंगे. क्या हाँ, एंड बाय द वे तुम मुझे वैसे तो हमेशा ही बहुत अच्छी लगती हो, बट आज दिस कलर ऑन यू एबी इट्स लुकिंग सो गुड. अगर ये एल साइज होता ना मैं ले जाती. नहीं मैं चेस्ट से नहीं होएगा, चेस्ट से लूज है. मुझे और ज्यादा लूज लगेगा. मैंने ये ज्यादा ही गर्म कर दिया. वी हैव गॉट क्या है ये पिज्जा स्क्वायर्स है. ओके एबी ने कुणाल की टी शर्ट चेंज करवा दी है. क्या पावर ऑफ वाइफ, पावर ऑफ वाइफ. Still here guys. कल रात को हम यहीं पे रुक गए थे. हम लोग इतना लेट फ्री हुए कि फिर हमें कोई पॉइंट नहीं लगा वापस जाने का. हमने सोचा यहीं पे रुक जाते हैं. आई वोर एबी का नाइट सूट. अब हम सुबह उठ के चाय पी के बस अब फटाफट निकलेंगे. आज बहुत इंपॉर्टेंट एक शूट कर रहा है मुझे.
और वो ब्रांड शूट है तो इसलिए हमारे यहाँ पे हेल्दी रेसिपी कोई नहीं होती। ये जो शरीर बना है ना, ये शरीर बना है वर्कआउट, ये शरीर बना है मेरे पोर्शन फैन से। एंड रेडी कितने साल हो गए हमने घी में बघार नहीं डाला है। टेल मी, कोई घर होता है ऐसा? मेरी मम्मी भी हमारे घर में दाल नहीं खाती है। ओ भगार बोलते हो तुम? तड़का होता है। हाँ तो बिकॉज कुनाल एंड हिज वहम एंड ऑल दैट thousands of rupees I've invested in my frying pan, so bloody give me my money back. भाभी का पैसा वापस। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप? ये देख रहे हो, आपने ये कभी नहीं देखी होगी ना मेरी टी शर्ट, बिकॉज ये मेरी नहीं है, एवी के कपड़े पहन के आई हूँ मैं। सो कल रात को हम लोग वहीं पे रुक गए थे, ढाई तो बज गए थे बातें करने में, सब पार्टी वार्टी चल रही थी और भी कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे उनके, तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन। अब सुबह आए तो फिर सुबह मेरा मन नहीं था वो बूट्स वगैरह पहन के आने का, तो रात को जो पहना हुआ था मैंने उसका नाइट सूट, मैं उसी में आ गई। एंड या अब घर पे, और वहाँ से हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके आए थे, उन्होंने हाफ फ्राई वगैरह कुणाल ने बना के दिया तो वो खा लिया था, और कम्मू ने नहीं खाया था, कम्मू ने आके अब यहाँ पे खाया है। तो मैं घर गई, सामान पैक किया और यहाँ पे आ गई, बिकॉज वी हैव टू शूट टुडे, वी हैव टू शूट वन वीडियो फॉर अ ब्रांड्स चैनल, नायका के चैनल के लिए एक शॉर्ट्स मुझे शूट करना है, तो आधा दिन तो उसमें जाएगा, आई नो राइट? एक मिनट की वीडियो में आधा दिन चला जाता है, शॉर्ट वगैरह लेने होते हैं तरह तरह के एंड ऑल ऑफ दैट, तैयार व्यार हो उससे पहले ये सब, और उसके बाद हमें कम्मू के चैनल के लिए एक वीडियो शूट करनी है। सो सीन ये है कि क्योंकि मेरा बर्थडे आ रहा है कुछ दिनों में, तो अब ना चलन सा हो गया ऐसे हमारा, अब ये एक सेट हो गया कि हम यू नो मिस्ट्री बॉक्स टाइप की चीज़ करते हैं एक दूसरे के लिए। सो मैंने भी कम्मू के लिए अभी इस बर्थडे पे किया था, कम्मू भी कर रहा है मेरे लिए, बट द थिंग इज जल्दी शूट करना पड़ेगा। कमल के बर्थडे पे भी हमने जल्दी शूट किया था क्योंकि उस टाइम पे दिवाली वगैरह थी और बहुत सारी चीज़ें थी, तो कर लिया था जल्दी शूट। इस बार क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज कमल हैज़ टू ट्रैवल इन फ्यू डेज फॉर हिज शूट, तो कमल चला जाएगा। देखो उसका लेट हो गया प्लान पीछे प्रोडक्शन की तरफ से तो एक अलग चीज़ है, बट अभी के लिए हमें पता है कि कमल इस फलानी डेट को निकल रहा है, विच इज़ इन जस्ट फ्यू डेज, तो आज का डिसाइड हुआ कि आज हम ये वाले काम निपटा देते हैं। मैंने अपनी वीडियो तो शूट करनी है, रेडी तो होना ही है, तो कमल वाली वीडियो भी कर लेंगे। सो आई विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स टुडे, बट इस बार एक्चुअली यार कमल ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं बाय द वे, लाइक न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, आई थिंक ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी। नॉट दैट सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ें ही मेक्स मी हैप्पी, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ ही चीज़ें होती है ना जिनसे आप सामने वाले को खुश कर सकते हो, लाइक यू कैन गिव योर सपोर्ट to your partner, या फिर you can you know just be with them when they're laughing, you laugh with them, crying cry with them, and उसी के साथ एक और चीज़ होती है कि किसी चीज़ की अगर ज़रूरत है तो आपने ऐसे गिफ्ट बना के दे दिया। तो कम्मू gifted me on New Year's also, Christmas पे भी उसने मुझे speaker दिया। By the way मैंने last vlog में पंचगनी वाले में बोला था speaker दिखाती हूँ और मैंने दिखाना भूल गई थी, मैं दिखाती हूँ। So this is the पोर्टेबल, बड़ा छोटा सा बढ़िया सा स्पीकर कमू ने दिया है, ये मेरे स्टूडियो के लिए तो बहुत ही परफेक्ट काम आ रहा है। लाइक उस दिन कमल का हम एक यहाँ पे हॉल शूट कर रहे थे अमेजोन हॉल, तब हमने इसी पे गाने चलाए हुए थे, वी हैड अ लवली टाइम, अच्छी वाली आवाज़ है, सस्ता भी है, सस्ता मतलब बोट के हिसाब से अच्छा है और काफ़ी चुटकू सा है, कहीं पे भी इसे लेके चल जाओ, चाहे ट्रैवल पे लेके चले जाओ। सो दिस वॉज द वन दैट ही गिफ्टेड मी, एंड वॉच आपने देखी थी। सो या बहुत सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं मुझे आजकल, कम्मू इज जस्ट ट्राइंग टू मेक मी हैप्पी इन वॉट एवर वे पॉसिबल, और अब तो बर्थडे के गिफ्ट्स मिलेंगे। सो या आज वो वाली वीडियो भी करेंगे, ठीक है? ओके, आई हैव टू टेक बाथ, रिमूव माई मेकअप एक बार और, बिकॉज कल एबी का जो मेकअप रिमूवर मैंने यूज़ किया आई डेंट लाइक इट, इट डिड नॉट रिमूव माई मस्कारा नाइसली। आई वॉज टेलिंग एबी ऑल्सो, एबी चेंज योर मेकअप रिमूवर, इट डिड नॉट रिमूव माई मस्कारा। सो अभी तक भी मैं अपनी आंखें मल रही हूँ ना, तो आई कैन स्टिल फील देयर इज लिटिल बिट मस्कारा। ओके ओके, आई हैव अ लॉट टू डू, आधा दिन ऑलमोस्ट निकल गया है, तो कर लेते हैं, जल्दी शुरू कर लेते हैं। कम्मू इज हियर हैविंग हिज फूड, आज हम मील्स नहीं खा रहे हैं, कभी कभी बीच बीच में हम लोग होम कुक्ड खा लेते हैं, सो दैट एक बैलेंस रहता है, अ ब्रेक, या ऑल्सो हाँ अ ब्रेक, एंड या वंस कम्मू इज डन वी विल स्टार्ट शूटिंग द वीडियो। तब तक मैंने नहा लिया, मेकअप कर लिया, काफ़ी कुछ कर लिया, तो परफेक्ट चल रहा है हमारा टाइमिंग एकदम से, बस मुझे बाल बाल बनाने हैं, चेंज करना है जो चीज़ मुझे पहननी है वीडियो में, एंड देन वी विल बी डन। और गिफ्ट्स आ चुके हैं गाइस, लुक एट दिस, और कम्मू ने फिर से गिफ्ट्स को जो पैक किया है वो किया है
पिछले साल वाले पैकिंग पेपर्स में प्राउड ऑफ यू कमो यस एंड वो खत्म हो गए तो उसके बाद मेरे पास जो कोई कुरियर पैकेजेस वगैरह आते हैं ना तो उसमें जो वेस्ट पेपर होता है ना मैंने उनसे भी पैक किया वेरी गुड सो अब क्योंकि हम मिस्ट्री बॉक्स और इस तरीके की चीजें बहुत करने लग गए हैं सो वी आर मेकिंग श्योर कि हम बार बार उसी पेपर को सेव कर ले लाइक ये लिटरली पिछले साल का पेपर है ये आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल के क्रिसमस के वीडियो में आई एम नॉट श्योर बट ये बहुत बार यूज्ड है ओके सो द सेटअप इज डन कमू इज being very helpful in today's shoot क्योंकि बाद में कम्मू वाली वीडियो शूट होनी है पहले तो मेरे वाली होनी है ना वो जो मैंने आपको बताया नायका वाली तो उसका सेटअप हम लोगों ने कर लिया है एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड हेलो हेलो वी वर बैक होम हाँ जी देखो इसे पता चल गया फिर से मिस्टर मिस्टर रियली मिस्टर ओके दैट्स ऑल बस जाओ जाओ नीचे जाओ हटो ओके तो वी वर डन विद बोथ द वीडियोस उसके बाद आए घर पे थोड़ा ये शाम का स्नैक्स खाया फिर थोड़ा आराम किया अब फाइनली उठी हूँ तो मैंने कहा कि चलो वो करती हूँ व्लॉग को एंड करती हूँ और व्लॉग को एंड करूँगी दो गुड न्यूज़ के साथ वो है ओके पहले बता देती हूँ जब नया साल शुरू होना था अभी तो एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था कि कमू टेल मी फोर ऑफ दोज थिंग्स जो तुम चाहते हो घर में हो लेकिन है नहीं एडिशन हो या फिर चेंज करना हो कुछ भी वॉट एवर यू वॉन्ट तो कमू ने अपनी चार चीज़ें बताई थी और मैंने अपनी चार चीज़ें बताई थी एंड हमने उस दिन टोटल 8 चीज़ें हो गई थी और उस दिन हमने डिसाइड किया था दैट एवरी मंथ वील ट्राई कि हम एक या दो चीज़ें खरीदेंगे तो जनवरी के महीने में हमने डिसाइड की थी दो चीज़ें जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं उन दोनों के एक्चुअली व्लॉग उस दिन पे हो रहे थे बट वो कम्मू कर रहा था उस दिन बाय चांस व्लॉग तो मेरे चैनल पे है नहीं उस रिलेटेड कुछ भी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ व्लॉग्स कम्मू के चैनल पे हैं वो आप वहाँ पे देख लेना उसके चैनल पे और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें ली हैं सो पहली चीज़ है ये वाटर प्योरीफायर यार इसकी इतनी ज़रूरत है इतने टाइम से ना फाइनली इसको हमने ले लिया ये कैंट का है और ये भी हमने लिया क्रोमा से सेकंड चीज़ खरीदी हमने फ्रिज गाइस ये जो फ्रिज चल रहा था पुराने वाले चल रहा था 2015 जब मैं हैदराबाद में रहती थी मैं 2 साल हैदराबाद में रही हूँ वहाँ पे मैंने ये फ्रिज खरीदा था 2015 में गाइस कैन यू इमेजिन और 2023 चढ़ गया था अभी तक ये फ्रिज इतना अमेजिंग चल रहा था अभी भी चल रहा है वी आर स्टिल नॉट थ्रोइंग दिस फ्रिज अवे वी आर कीपिंग दिस पुराने वाला फ्रिज फॉर वैसे पहले हमारा प्लान यही था कि हम इसको निकाल देंगे किसी को दे देंगे बट अभी हमें ऐसा लगा कि अभी कुछ टाइम के लिए हम इसे रख लेते हैं वी कैन स्टोर आर वो वाला चीज़ें जो रोज डेली की हमारे इस्तेमाल नहीं होती है तो ऐसी चीजें स्टोर करने के लिए हम पुराने वाला फ्रिज यूज कर लेंगे जो कमरे में पड़ा रहेगा एक एक्स्ट्रा जो कमरा है और जो नया वाला फ्रिज है वो तो किचन में ही रहेगा सो दिस इज द न्यू फ्रिज जो हमने लिया है ये है एलजी का नाउ दिस इज अ बिगर फ्रिज देन व्हाट वी हैड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया बिकॉज वी डिडंट वांट टू इन्वेस्ट दैट काइंड ऑफ मनी हमने बहुत सारी चीजें उस व्लॉग में डिस्कस किया है कमल के चैनल पे देख लेना सो आई एम नॉट टॉकिंग मच अबाउट दिस थिंग बट या दीज आर टू न्यू एडिशंस टू आर होम नया फ्रिज और नया प्योरीफायर तो या मैंने सोचा आपको बता दूं दिस इज इट अब ना मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ बिकॉज नाउ आई हैव टू स्टार्ट एडिटिंग व्हाट आई शॉट टुडे एंड ऑल्सो दिस व्लॉग तो मुझे ब्रांड को वाली वीडियो देनी है तो मैंने सोचा पहले व्लॉग को एंड कर देती हूँ सो या दिस इज इट गाइज होप यू गाइज एंजॉयड कितना अब्रप्टली मैंने ऐसे ये व्लॉग शुरू किया था बिना किसी प्लानिंग के और कितना अच्छा मस्त व्लॉग बन गया हाँ also tell them about the birthday mystery bag कुछ एक ऐसी चीज थी जब आप वो वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा उसका बहुत मजाक बनाया मैंने कि ये क्या दे दिया ये तो बिल्कुल काम का नहीं है और भाई साहब वो चीज मेरे बगल में पड़ी है अभी मैं दिखा नहीं रही हूँ आपको वही वीडियो देखना नहीं दिखा रही नहीं तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज थी भाई वो इतने काम की चीज निकली दैट आई हैव थैंक्ड कमल फॉर लाइक अभी तक मैं 10 बार थैंक यू बोल चुकी हूँ कि यार ये क्या चीज दे दी है तो बहुत बढ़िया है तो देखना आपको पता चलेगा थोड़े दिन में आएगा पता नहीं कौन सा ये व्लॉग पहले आएगा या कम्मू की वो वीडियो पहले आएगी आई डोंट नो बट जब भी आएगा मेरे बर्थडे का मिस्ट्री बॉक्स वीडियो तो कम्मू के चैनल पर जरूर देखना एंड दिस इज इट गाइज होप यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग आई रियली एंजॉय shooting this vlog because
यू नो द रीजन. स्टार्टिंग ऑफ द व्लॉग में आपको पता है ना हाउ आई वॉज फीलिंग इन ऑल ऑफ दैट, और नाउ आई फील मच बेटर टॉकिंग टू यू गाइज. इट ऑलवेज हेल्प्स. सी सो अब मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ और फिर आपको फाइनल बाय बाय बोलती हूँ. ये है एक बिगड़ी हुई बच्ची और ये है एक कहाँ गया, वो बाहर चला गया. ए? अभी तो यही था. अच्छा ठीक है, मिष्टी से मिल लो सिर्फ. मिष्टा सिट. अच्छा च्यू स्टिक देती हूँ आपको, चलो च्यू स्टिक. सिट मिष्टा. मिष्टा सिट. बिस्किट देऊंगी. सिट मिष्टा सिट. शेक हैंड. शेक हैंड मिष्टा. शेक हैंड. गुड गर्ल मिष्टा. अदर हैंड. गुड गर्ल मिष्टा. बोथ द हैंड्स. गुड गर्ल मिष्टा. अभी मिष्टा को मिलेगा कुछ नहीं. ओके बाय गाइस. नीरज चूस्टिक दे दे इसको.